आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो आपकी वैक्सीनेशन है कोरोना वायरस की, उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपकी एज 18 से लेकर 45 तक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी आयु 18 से लेकर 45 साल तक है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आप देखिए कि 1 मई 2021 से सभी के लिए आपकी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, 18 से 45 के बीच भी। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि 45 प्लस के लोगों को एक तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा था। तो इसमें आप लोग बात कर लेंगे कि आखिर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस बता देंगे आप लोगों को, और कीमत क्या रखी गई है अभी उस पर भी हम लोग एक सामान्य बात कर लेंगे। क्योंकि आपने देखा है कई राज्यों ने कहा है कि 18 से लेकर 45 तक के जो भी लोग हैं उनको हम फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन देखिए, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रहेगी, करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में एक तरह से कीमत मायने नहीं रखती है, क्योंकि जान बची तो लाखों पार, सब आप समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि आप जान भी रहे हैं कि हमारे देश में बहुत जनसंख्या है एक तरह से, और आप समझ सकते हैं कि भीड़ भाड़ होगी। इसलिए अभी से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और आपको जो डेट मिले, जो टाइम मिले, आप लोग उस हिसाब से चले जाइएगा। और आपके आसपास जो भी वैक्सीनेशन सेंटर होगा, वहाँ का आपको आराम से सेंटर भी मिल जाएगा। अपनी सुविधा अनुसार आप लोग सेंटर चॉइस कर लीजिए, चुन लीजिए, और आप लोग वहाँ जाकर करवा लीजिए। लेकिन देखिए, टीका जरूर लगवाइए। आप समझ रहे हैं कितनी संकट की एक तरह से घड़ी चल रही हुई है, और आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल हो, फिर चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति हो, क्या बनी पड़ी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि सेफ रहिए, कम से कम घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कोरोना टीका रजिस्ट्रेशन, इसके लिए आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपको किसी ऑनलाइन के पास जाने के लिए की भी ज़रूरत नहीं है। एक बात आप भी जान रहे हैं कि अभी खुल भी नहीं रहे हैं ऑनलाइन, और खुलेंगी भी तो आप समझ सकते हैं कि उल्टी सीधी सीधी कीमत भी लेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। एक तो आप देखेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप पर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप का कहने का मतलब हमारा कि आप समझिए कि देखिए, आप लोग आरोग्य सेतु ऐप आप लोग देखेंगे, इस तरह से इसकी साइट है मेन। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको इस तरह का एक ऐप गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लें, आरोग्य सेतु के नाम से। आप लोग जैसे ही गूगल स्टोर में, मतलब प्ले स्टोर में आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसे आप लोग जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो आरोग्य सेतु पर आपको कोविन का डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसे जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे, आप लोगों को आराम से दिखाई देगी। वहाँ जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन या रजिस्टर पर टैप करना होगा। इस तरह से आप देख भी सकते हैं, देखिए ये रजिस्ट्रेशन है ना, यहाँ जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सामने एक तरह से एक साइट खुल जाएगी आपकी। देखिए इस तरह से आप लोग देखेंगे कि इस तरह से साइट आ जाएगी। यहाँ जैसे ही आप लोग अपना मोबाइल नंबर जो भी रहेगा उसे इंटर करेंगे, और जैसे ही आप लोग गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो एक आपके फ़ोन पर एक तरह से एसएमएस प्राप्त होगा, ओटीपी, उसे आप लोगों को इंटर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप 10 नंबर का अंक मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें, और उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, और जिसे एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, एक स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होता है, दूसरा स्टेज शुरू होगा, जिसमें आपको आधार, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस जैसे फोटो आईडी कार्ड में से किसी एक को चुनना होगा। और मुझे लगता है कि आपके पास आधार कार्ड सभी के पास होगा, या फिर पैन कार्ड सभी के पास होगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस सभी लगभग लोगों के पास होगा। और आप समझ सकते हैं कि आधार कार्ड तो मुझे लगता है कोई नहीं छूटा होगा, तो आप लोग आधार कार्ड आईडी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपना नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई, जेंडर कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आपका फीमेल है या मेल है, पुरुष है या महिला है, इसको आप लोगों को चुनना होगा। ठीक, कुछ बेसिक डिटेल भरने होंगे, और इसके बाद आपको एक पेज दिखेगा जिस पर आप अधिकतम 4 और लाभार्थियों को उसी मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं। सीधा सा कहने का मतलब है कि आपकी फैमिली, यानी कि आपके परिवार में 4 मेंबर, 4-5 मेंबर हैं,
और आप लोग एक साथ ही रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को ये भी सुविधा वहाँ मिलेगी कि एक ही मोबाइल से आप लोग चार लोगों के भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि सभी के पास ऐसा कई क्षेत्रों में आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाएंगे, परिवार में जितने मेंबर हैं उतने मोबाइल ना हो उनके पास, मोबाइल नंबर ना हो, तो इसके लिए ये सुविधा रखी गई है कि आप समझ सकते हैं कि एक परिवार के मेंबर के फोन नंबर से चार लोगों को और भी उसका फायदा यानी कि वैक्सीनेशन करवाने की प्रोसेस में जोड़ लेंगे, ठीक है। और आप जैसे ही अपना पिन कोड डालेंगे, पिन कोड कहने का मतलब है कि आपके एरिया का एक पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसका पिन कोड होता है, ठीक है, तो आप लोग उसे डालेंगे तो आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटरों की लिस्ट खुल जाएगी, यानी कि आपके एरिया में जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा होगा उन सभी सेंटरों की एक तरह से केंद्रों की आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आप अपने पसंदीदा सेंटर को चुन सकेंगे जहाँ आप लोग आसानी से टीकाकरण करवा सकें या आप लोगों वहाँ तक आसानी से पहुँच हो सके, ठीक है, ये भी आप लोगों को देखना होगा। और आपको वैक्सीनेशन डेट और टाइमिंग की जानकारी भी यही मिल जाएगी कि इस डेट को आपको वैक्सीनेशन होगा और इस टाइम पर आपको लगेगी इस दिन को, तो ये आप लोग मोबाइल ऐप से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग दूसरी तरह से कर सकते हैं, एक आपकी कोविन पोर्टल पर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और याद रखिए इसे आप लोग गूगल क्रोम हो गया इस तरह के जो भी ब्राउजर हैं उनका उपयोग करके आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कोविन पोर्टल पर जाना होगा आप लोगों को, इस तरह का आपको दिखाई देगा, देखिए ये है, ठीक है। इसमें आप लोग जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे कोविन.com, माफ करिए कोविन.government.in, तो आप लोगों के सामने इस तरह का होम पेज खुलेगा। इस पर आप लोग जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज और खुल जाएगा। यहाँ आप लोग OTP डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर OTP, तो आप लोग प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ भी आपको 10 नंबर का आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद आपको OTP के जरिए वेरीफाई करवाना होगा। इसके बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन का पेज खुल जाएगा जहाँ आपको अपने बारे में बेसिक जानकारी जो नाम है, जन्म है, तिथि है, इस तरह की जानकारी सामान भरनी होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अकाउंट डिटेल में तीन और लोगों को अपने ही मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं, यानी कि अपने परिवार मेंबर के तीन और लोगों को आप लोग इस प्रोसेस में जोड़ सकते हैं। बाकी प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही है। आप लोगों को मुझे लगता है कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे ही ऐप के माध्यम से जाएंगे या आप लोग वेबसाइट मतलब पोर्टल के माध्यम से जाएंगे आप आसानी से भरते जाएंगे, उसमें कोई भारी भरकम कुछ नहीं है। और मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में आप लोग आसानी से ना आ सके, तो आप अपने घर बैठकर भी आराम से कर सकते हैं और करवा लीजिएगा, जरूर करवाइएगा, ठीक है। और इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जो हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपनी कोविड-19 टीके जिसे आप लोग कोवैक्सीन कहते हैं इसकी कीमत राज्य सरकारों के लिए 600 रुपये प्रति खुराक और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये प्रति खुराक निर्धारित की है। देखिए आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी कीमत और गिराई जाए, क्योंकि आपने देखा है कि न्यायालय ने किस तरह से कहा है कि आप लोगों को टीकाकरण की एक तरह से कोई कीमत निर्धारित करनी चाहिए, ठीक है। और आप भी समझ रहे हैं कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस तरह के टीका लगवा सके, ठीक है, तो उनके लिए फ्री हो सकती है, क्या हो सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं दूसरी आप देखते हैं, दूसरी आपकी वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड-19 टीके जिसे आप लोग कोविशील्ड कहते हैं इसे राज्य सरकारों के लिए कीमत 400 रुपये प्रति खुराक रखी है और निजी यानी कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति खुराक घोषित की है। और याद रखिए ये दोनों टीके अगर केंद्र सरकार के माध्यम से लगते हैं तो 150 रुपये प्रति खुराक की दर से केंद्र सरकार को उपलब्ध होंगे, यानी कि केंद्र सरकार को सबसे कम रेट पर ये टीका मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आने वाला, अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ कि कीमत मुझे लगता है कि इस समय मायने नहीं रखती है, तो आप लोग जरूर करवा लीजिए और जितना जो भी टाइम मिले उस हिसाब से आप लोग जाइए। और दोनों मतलब आप समझिए कि दोनों खुराक आप लोगों को लेना जरूरी भी है क्योंकि परिस्थिति बहुत भयानक दिख रही है और क्या से क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं और ऐप से आसानी से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे भी आप लोग करते रहेंगे।